नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लगातार सभी तरह के एग्जाम में अपने को देखने को मिले हैं, जिनका सॉल्यूशन विद इन 1 से 2 सेकंड के अंदर हम सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 2 वर्ष का SI आपको दे रखा है, कितना 600 रुपये दे रखा है। 2 वर्ष का CI यानी कंपाउंड 618 दे रखा है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकालने, क्या निकालने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है, यानी पहले साल अगर 100 रुपये लगता है तो दूसरे साल भी 100 रुपये लगेगा, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर 2 साल में CI कितना 600 रुपये, इसका मतलब पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए कितना कितना हो जाएगा, 300 300 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं, ये क्या आ गया आपका SI आ गया। यानी इसी तरह से क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। और ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब पहले साल का 300 सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, 300। बाकी कितना बचेगा, 618, तो बाकी बचेगा इसमें 318। हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से क्या हो गए, 18 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब 18 रुपये एक्स्ट्रा किस में से हुए, 300 में से हो गए हैं, यानी ये ब्याज हुआ है 18 रुपये। प्रतिशत में निकालना तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 3 18, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 6% आ गई है। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 512 गुना चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से कितने समय में हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, हमें 2 टाइम्स दे रखा है, यानी 2 टाइम्स का मतलब कितना हो गया, दोगुना हो गया, कितने 3 वर्ष अपने को यहाँ पर लग रहे हैं, समझ पा रहे हो इस बात को। और हमें 512 टाइम्स हमें बताना कि 1212 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा। तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पर 2 टाइम्स दे रखा है, ये 2 की पावर ऊपर जो 2 टाइम्स दे रखा है उसी की पावर ये बनेगा। जो 512 दो की पावर कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है। जो पावर, जो भी पावर आएगी उस पावर को क्या करना है, इससे मल्टीपल कर देना। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 कितना हो गया, 27 वर्ष, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सारे जो क्वेश्चंस लेके आए हूँ अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन किया उससे डिफरेंट क्वेश्चन है ये कि कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 8 गुना, यानी कहने का मतलब 8 टाइम्स हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है कितने साल में, 5 वर्ष के अंदर हो जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है तो 2 गुना चक्रवर्ती ब्याज की उसी दर से कितने समय में हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 8 टाइम्स है, इसका मतलब मैं इसको 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, यानी 2 की, मैं इसको 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 3 टाइम्स कितने समय में हो गया, वही 5 वर्ष लग जाएंगे। और यहाँ पे 2 टाइम्स निकालना, तो इस पावर को क्या करूँगा, इसके नीचे भेजूंगा, तो ये कितना आ गया, 5/3, और ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी 2 टाइम्स यानी दुगुना कितने समय में हो गया, 5/3 वर्ष के अंदर हो गया। इसे हम वर्ष में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 वर्ष 8 मंथ आपका आ जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि 1 से लेकर क्या हो जाता है, 27 हो जाता है, यानी 1 था पहले धन, अब 27 हो गया, कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल था, और 27 क्या होगा, आपकी अमाउंट होगी। जब 3 वर्ष की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लें, क्या निकालें, हम इसका क्यूब रूट निकाल लें। क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ गया, 1 और 1 से कितना आ गया, 3, है ना, 3 आ गया। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कितना है आपका, 1 है, कहीं ना कहीं ये क्या होगी, आपकी अमाउंट होगी। यहाँ पर ये क्या आ गया, 2 आपका ब्याज आ गया, कितना आ गया, 2 आपका ब्याज आ गया है। 2 किस में से एक्स्ट्रा हुआ, 1 में से, तो इंटू में 100 से मल्टीपल कर दें, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 200%, कितनी आ जाएगी, 200% आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना होता है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसे ही हमें करना है। क्या करेंगे, 225 हमें जो दे रखा है और उसके बाद में 256, कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो हम 2 वर्ष की बात है तो इसका क्या निकाल देंगे, हम इसका रूट निकाल देंगे। 225 किसका होता है, 15 का, और 256 16 का, कहीं ना कहीं 15 से 16 हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, किसमें से हो रहा है, 15 में, तो इसका मतलब 1/15 निकाल लेंगे, 1/15 निकाल लें, इंटू में 100 से मल्टीपल कर दें, तो कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करें तो 6 से ही 2/3 आ जाएगा, 6 से ही 2/3% आपका राइट आंसर हो गया।
ये थे भी 5 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको पटवार के अंदर, रेट के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। इसीलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, और ऑल ओवर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर बेसिक मेथड से करने जाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर जो तरीका मैंने आज आपको बताया अगर इस तरीके से करते हो तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकेंड के बीच ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर विजिट की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद,